तो ध्यान दो, क्या पढ़ते हम लोग? वॉइस। तो आज वॉइस को पढ़ेंगे लोग पास्ट सिंपल। क्या पढ़ेंगे? पास्ट सिंपल। ये तो मेरा पार्ट टू है, देखो पार्ट थ्री बोल सकते हो, ठीक है? यस सर। तो देखेंगे फिर देखेंगे एक्टिव वॉइस। क्या देखेंगे? एक्टिव वॉइस। एक साइड देखा हमारा पैसिव वॉइस। सेम पैसिव वॉइस। रूल्स आपको पता ही है क्या करना है, है ना? पिछले क्लास में बताया था ना रूल्स को। यस सर। तो देखो एक्टिव और पैसिव पास्ट सिंपल टेंस का जो हमारा एक्टिव रहेगा और उसे तो पैसिव बनेगा जस्ट। तो पास्ट सिंपल कैसे बनता है? सेकंड फॉर्म रहता है। सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट में। हाँ। और हेल्प में कौन सा रहता है उसमें? कुछ डिड, डिड, है ना? हाँ। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट। खेलोगे? चलो क्रिकेट खेलते हैं। चेस। चेस खेलोगे? चलो चेस खेलते हैं। कबड्डी। और क्या कितना खेलोगे? आई प्लेड चेस। तो मतलब क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? चेस। नॉन डूअर क्या है? चेस। थिंग्स क्या है? चेस। इसको सबसे पहले लेंगे, लास्ट में लेंगे, पहले ले ले। यस। इसके बाद क्या आएगा? वॉस। वॉस है ना? जब चेंज करोगे एक्टिव को पैसिव में तो वॉस वर आएगा। क्या आएगा? वॉस। आप लोगों को देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉस, प्लूरल है तो वॉस। जो चेस क्या सिंगुलर की प्लूरल है? सिंगुलर। तो वर आएगा ना? वॉस। क्या आएगा? वॉस। वॉस आएगा, पता है ना? यस। ठीक है, वॉस लगा देते हैं। अब बताया सब आपको कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आएगा? यस। प्ले का देगा, प्लेट हो जाएगा, प्लेट का प्लेट ही जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। ये है स्पोकन इंग्लिश का तुम्हारा। यस। सिंपल में पैसिव कि चेस वास प्लेड, चेस खेला जाता है। पास सिंपल है, रोज में लोग पढ़ के नहीं आते तुम लोग? सर मैं बोले सर मैं। तो चेस वास प्लेड, चेस खेला जाता है। ठीक है। यस सर। अब किसके द्वारा? तो बता दिया हो, है ना? जो यहाँ पर डुअर रहेगा डुअर को बाई से बनाते हैं। यस सर। और डुअर का रहेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म पता नहीं पता? यस सर। है ना? हाँ। चलो इसलिए देखते हैं नेगेटिव में, है ना? मैं चेस नहीं खेलता था। कैसा बनेगा? हर्ष खड़ा हो जाओ भाई, स्टैंड अप। चलो उसको बताओ कैसे बनेगा पैसिव। वास के बाद नॉट लगा दे, बस हो गया। वास के बाद नॉट लगा दू? नहीं सर, नहीं सर, हो गया। चेस वास ऐसा बोलो तो। चेस वास नॉट, वास नॉट played, played by me, me, ठीक है? इसका ये स्पोकन इंग्लिश कितना, और by के बाद ग्रामर का। तो क्या होगा इसका मीनिंग? चेस वॉज नॉट प्लेड, क्या होगा? मेरे द्वारा चेस नहीं खेला जाता था। स्पोकन में क्या होगा? चेस वॉज नॉट प्लेड, चेस नहीं खेला जाता, है ना? चेस नहीं खेला जाता था। आप यहाँ तो बाय मी, मेरे द्वारा, ऐसे स्पोकन इंग्लिश समाप्त करते क्या कि मेरे द्वारा घर जाया नहीं जाता था, है ना? मेरे यहाँ घर में पहले करेला सब्जी नहीं खाया जाता था। आप सब पूछ सकते हो मैं सब्जी नहीं खाता था। हाँ। ये सब्जी खाता नहीं था इसलिए, ठीक है? तो इतना बस है तुम्हारे स्पोकन इंग्लिश का। यस सर।
अब बताओ कोई सेंटेंस चटाम हम बताओ मानसु कोई सेंटेंस ले लो कोई कुछ ले लो बताओ बताओ मतलब क्या कहा उसने क्वेश्चन पूछे या वो क्वेश्चन पूछा था ठीक है यस सर सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा यस उसके बाद वाज उसके बाद हाउ उसके बाद ही बाय उसके बाद हिम हो गया हां सिंपल सा है ना यस सर कि नहीं है है सिंपल सा है यस इसे लो 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 से लो लो चलो बताओ हाँ बताओ सब्जेक्ट से एग्जाम्पल फास्ट का फास्ट यू 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 फास्ट यू मैक यू मैक की मैक होगा मैक फास्ट पढ़े ना यू मेट के पढ़ो लिखो पढ़ेगा फिर बैठ यू मेट के तो मतलब क्या तुमने केक बनाया केक बनाया केक बना लिया तो केक बनाए थे पास्ट के सेंस में जितना मैक्सिमम बातचीत होगा इस बगल इंग्लिश में वो सेकेंड फॉर्म से होता है पास्ट के लिए है ना तो इसी को मैक्सिमम यूज करते हैं ठीक है यस सर हां जरा खड़े हो इसको बताओ पैसे क्या होगा केक केक वर आएगा हाँ ये नहीं देखना है नूनी इसको देखना है इसी में डाल दो ना सर हाँ क्या आएगा वर है ना कल बताया था ना इससे अकॉर्डिंग नहीं ये तो अपने अकॉर्डिंग ठीक है ये अपने अकॉर्डिंग ठीक है तुमको ये देखना है वाज वर कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है ना तो केक वर आएगा कि वाज आएगा वर डाल दो तो एक रहेगा तो के मतलब हाँ तो केक थोड़ी है केक बस है तो क्या आएगा वॉस की बार वॉस आएगा ना हाँ ये मिस्टेक मत करना एग्जाम में केक वॉस मेक बाय मेक क्या था आपका क्या आगा मेक हाँ बाय 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 यू नहीं तो लोग बन नहीं रहे घर में वो तो क्या सर ठीक तो बोली हूँ सर क्या मैं एकदम एकदम बोल रही है मैं थैंक यू पढ़ लीजिए तो लोग तो टेस्ट लेता हूँ फंडे को पढ़ लो टेस्ट तो लोग का यस वाइस जो पूछा हो जो पढ़ा सब पूछूंगा जो नहीं आया सब 500 रुपए फाइन है ना हाँ चलो नेक्स्ट बताओ हाँ भाई खड़ा चल रही है बताओ एग्जांपल एग्जांपल पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म वाला सेकंड फॉर्म वाला आई अंडरस्टूड आई अंडरस्टूड क्या सीन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्ट है इसमें हाँ दोबारा हिंदी अंडरस्टूड हिंदी मैं हिंदी समझ गया समझ गया ये हिंदी ठीक है यस सर इसमें थोड़ी कमी हो गया है एलिमिनेट हो गया इसको भी हाँ उसका क्या होगा पैसे बताओ बताओ क्या होगा पैसे हिंदी वॉस अंडरस्टूड ही होता है ना हाँ से हिंदी वॉज अंडरस्टूड बाय मी
ठीक है बैठो। समझ आए? बनेगा? कुछ नहीं नेगेटिव है, जल्दी जल्दी होगा फिर नोट नोट लगा देना, बन जाएगा जल्दी। यस सर। ठीक है, इंटरग्रेटिव लास्ट ईयर सबके साथ बताऊंगा। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है? यस सर। बाकी सभी बनेगा वैसे? यस सर। वैसे बताया था ना? हाँ। कि हेल्प होगा पहले कर देना है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यस सर। समझ आया? यस सर। ये पार्ट सिंपल। ठीक छापोगे? यस सर। रफ करो? यस सर। छापेंगे? यस सर। आज तुम लोग बेटा गड़बड़ा देते हैं।